वेलकम टू लर्निंग जोन इज यू लर्न मैं हूं संजीव और आज के इस वीडियो में हम लोग देंगे फुल फॉर्म के ऊपर एक वीडियो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 120 फुल फॉर्म देखने वाले हैं एंड दोस्तों आप लोगों को पता है एन टी एग्जाम में हर एक शिफ्ट में दो या तीन क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा जा रहे है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को ये रट जाना ही होगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर जो एच है तो एच का फुल फॉर्म क्या है हाइपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज तो दोस्तों एच डी एम एल का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज दोस्तों एच टी पी का फुल फॉर्म दोस्तों ये तो बहुत बार पूछ चुका है तो आप लोग जान लीजिए हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल एच टी टी पी एस हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर आई बी एम होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इंटेल का फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स आई पी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल आई एस पी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जे ए डी का फुल फॉर्म है जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर एंड जे का फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप के का फुल फॉर्म है किलो वाइट व वा दोस्तों किलोबिट्स पर सेकेंड ठीक है एल का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड एम थ्री का फुल फॉर्म है मोबाइल थ्री ग्राफिक्स एम फोर का फुल फॉर्म है एम पी ई जी फोर ऑडियो फाइल एम बी पी एस का फुल फॉर्म है मेगावाइट मेगावाइट्स पर सेकेंड दोस्तों मेगावाइट्स पर सेकेंड हो सकता है या मेगा बाइट्स पर सेकंड होगा ठीक है एम आई सी एर का फुलफॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रेजोनेंस रेजोनेशन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोग याद रख लीजिएगा एम आई एम ए का फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस ठीक है एम आई पी एस का फुलफॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड ठीक है उसके बाद एम पी जी का फुल फॉर्म है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप नेट का फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशंस ओ सी आर का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर ओ एम आर का फुल फॉर्म है दोस्तों जो ओ एम आर सीट होता है आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे शायद तो ओ एम आर का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर व ऑप्टिकल मार्क रिकोगश ठीक है दोस्तों पी टू पी का वा, फुल फॉर्म है पी आर टू पी आर ठीक है पी डी ए का फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट डब्ल्यू बी एम पी का फुल फॉर्म है वायरलेस बिट मैप इमेज वाईफाई का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों वायरलेस फेटिलिटी होगा इसका फुल फॉर्म ठीक है वॉल का फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है वायरलेस ए लोकल एरिया नेटवर्क ठीक है डब्ल्यू एम ए का फुल फॉर्म है विंडोज़ मीडिया ऑडियो डब्ल्यू एम एल का फुल फॉर्म है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज ठीक है उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज है डब्ल्यू एम एल का फुल फॉर्म उसके बाद डब्ल्यू एम भी का है विंडोज़ मीडिया वीडियो एंड डब्ल्यू एम एफ का है एक्सटेंसेबल म्यूजिक फाइल ठीक है दोस्तों उसके बाद देखते हैं क्या? क्या है दोस्तों पी डी एफ का फुलफॉर्म तो फुल क्या है पी डी एफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट तो पी डी एफ का फुलफॉर्म क्या है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दोस्तों पी एन जी का फुलफॉर्म फुल क्या है पी एन जी का फुलफॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स आर पी एम का फुलफॉर्म क्या है रेगुलेशन पर मिनट सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल एस एम पी एस का स्विच मोड पावर सप्लाई एस एम एस का शॉर्ट मैसेज सर्विस एस एम टी पी का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस क्यू एल का सिक्योरेटेड क्वेरी लैंग्वेज एस डब्ल्यू एफ का शॉक वेब फ्लैश टी सी पी का फुलफॉर्म क्या होता है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है याद रख लीजिएगा डब्ल्यू एच एफ का अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी यू टी यू एम टी एस यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकोम्यूनिकेशन सिस्टम ये दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी याद आप लोग रख लीजिएगा यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों यूनिवेक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या दोस्तों यूनिवर्सल नॉन इंटीग्रेटेड वैक्यूम एक्टेड कंप्यूटर ठीक है दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म होता है यूपीएस का फुल फॉर्म तो सभी को पता है अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई यू का दोस्तों बहुत बार पूछ चुका है ये फिर भी याद रख लीजिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है यूएस का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस वैन का फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड नेटवर्क डब्ल्यू वी एच एफ का वी एच एफ का फुल फॉर्म है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वायरस का फुल फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछ सक पूछ सकता है वाइटल इन्फॉमेशन रिसोर्स अंडर साइज ठीक है दोस्तों वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसर्च अंडर साइज भी ओ आई पी का फॉर्म है वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल डब्ल्यू ए आई एस का फॉर्म है वाइड एरिया इन्फॉर्मेशन सर्वर डब्ल्यू ए पी का फॉर्म है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डब्ल्यू ए वी का वेब फ्रॉम ऑडियो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है ए ए सी का फॉर्म है एडवांस ऑडियो कोडिंग ए आई का आर्टिफिशियल लैंग्वेज ठीक है दोस्तों सॉरी सॉरी दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, होगा, Program, होगा, Address, रे, रे, ARPANET, होगा Project, ए एम का फुल फॉर्म होगा एडेप्टेबल मल्टी रेट कोडेक एंड ए का एप्लीकेशंस प्रोग्राम इंटरफेस ए का फुल फॉर्म होगा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ए आर पी एन एट दोस्तों आरपा नेट का फुल फॉर्म होगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रख लीजिएगा एस सी आई आई ये दोस्तों एग्जाम में आ चुका है एन टी एग्जाम में तो ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज ए का फी फुल फॉर्म आ चुका है एग्जाम में एन एग्ज़ाम में ठीक है दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी होता है अरे दोस्तों ये जो लिखा हुआ है एनकोरोनास ट्रांसफर मोड ये डिफरेंट टाइप का है इसलिए ऑटोनोमास ट्रांसफर मोड लिखा है एंड ए का फुल फॉर्म है ऑडियो वीडियो इंटरलिप बेसिक का फुल फॉर्म है बिगनर और ऑल परपज सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड ठीक है बी का फुल फॉर्म हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी बी का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल बी एच दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है बी एच का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट हाईपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज एच का तो आप लोगों को पता ही है हाईपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज उसके अगर बी अगर ऐड हो जाए तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा बायस का फुल फॉर्म हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग याद रख लीजिएगा बी का फुल फॉर्म है बास इंटरफेस यूनिट एंड बी का फुल फॉर्म है बीट मैप ठीक है बी का फुल फॉर्म है बिट्स फार सेकेंड और बाइट्स फार सेकेंड ये दो हो सकता है कैड का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सी ए डी 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 दोस्तों अगर कैड के पिछले एक डी ऐड हो जाए तो होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग ठीक है ये भी याद रख लीजिएगा सी ए आई का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस एंड सी डी एम ए का फुल फॉर्म है कोड डिविजन्स मल्टीपल एक्सेस ठीक है दोस्तों कोड डिविजन्स मल्टीपल एक्सेस सी डी एम ए का फुल फॉर्म है कोड डिविजन्स मल्टीपल एक्सेस ठीक है सी डी आर का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल सी डी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ए फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज एंड सी डी आर डब्ल्यू का कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल सी आई एस सी का फुलफॉर्म है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कॉबल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछ चुका है जो कोबल का फुल फॉर्म क्या होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है तो दोस्तों कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एडुकेशन एंड रिसर्च ठीक है दोस्तों टेक्निकल होता है हो, हो सकता है या टेक्नोलॉजी भी हो सकता है ठीक है उसके बाद सी का फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी का कैथोड रेट्यूब सी यू का कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड डी डिजिटल ऑडियो टेप डी डिजिटल ऑडियो टेप ठीक है दोस्तों डी वी एम एस का डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डी एन एस डोमिन नेम सिस्टम डी ओ एस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यह पर जो दो दोस्तों देख सकते हैं नीचे दिए हुए एंड डी पी आई का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच डी वी डी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क डी वी डी रैम डिजिटल वीडियो डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल होता है फुल फॉर्म होता है एंड डी वी डी रोम अगर होता है तो वो होता है डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी ठीक है उसके बाद दोस्तों डी वी डी आर डब्ल्यू अगर हो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क रीड एंड राइट डी वी आई का फुल फॉर्म होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस डी वी आर का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर ई डी जी का फुल फॉर्म होता है एनहेंस्ड डाटा रेट फॉर जी एस एम ई डी एस एस सी इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डीले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर एडबैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्राइब वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी याद रख लीजिएगा ईमेल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनिक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर एफ का फुल फॉर्म होता है फुट फार्म फॉर सेकेंड फार्मस फार सेकेंड जी का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस एंड जी का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटर इंटरचेंजेबल फॉर्मेट ठीक है जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस जनरल पैकेट रेडियो सर्विस जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड एच एस डी पी ए हाई स्पीड डाउन लिंक पॉकेट इस एक्सेस तो ये दोस्तों वन ट्वेंटी इम्पॉर्टेंट दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है ये है तो आप लोग इसे क्या करिएगा एक काम करिएगा आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा हर एक जो यहाँ पर आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ ये इसको एक, एक, एक स्क्रीन शॉट कर लीजिए इसको भी कर लीजिए एंड ये चारों को एक, एक स्क्रीन शॉट करके आप लोग अपने कॉपी में लिख कर दो चार बार रीड कर लीजिएगा आप लोगों को याद हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो आज का वीडियो अभी तक था वीडियो अगर थोड़ी सी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में